हम लोग 4 साल के थी ना, तो मम्मी पापा देती थी पढ़ने के लिए, तो अपना पढ़ाई नहीं किया और अपना यही काम करने लगे। कैसा लगता है जगह जगह से लोग नाम पकड़ करके चले आते हैं? तो अपना ये काम है तो अच्छा तो लगता है, दूरी में तो आना पड़ता है। जैसे आप लोग कोई थीम पहले से थीम सोचे हैं, जैसे ये रामचरितमानस रामायण का पार्ट है, उधर देख रहे हैं कि कृष्ण राधा देखने को मिल रहे हैं, कहीं हनुमान, कहीं कैसे, अपने अपने चुने हैं सारी चीजें? हाँ, ये सब अपने चुनते हैं। और क्या क्या बनाए हैं? तो जैसे ये रामायण के हुआ वो बनता है, जैसे रास हुआ कृष्ण के रास जो बनता है वो बन रहा है, जैसे ये महाभारत का सीन हुआ तो अपना वो सब बन रहा है। आपका नाम बताइए। राम दुलारी देवी। कितनी उम्र हो गई आपकी? तो 40-45 तो हो गया होगा। 4 साल से ही बना रही है। जी, मेरा नाम रत्नेश्वर झा है, मैं मधुबनी राजनगर प्रखंड से हूँ और मैं आज मधुबनी पेंटिंग तकरीबन 15 साल से करता आ रहा हूँ। और इस मधुबनी पेंटिंग को लेकर के हमने अभी तक इस चीज़ को देखा है कि अपनी जगह जो अपनी पहचान है, ये मुझे सिर्फ एक मधुबनी पेंटिंग दिया है, जिससे हमारा एक पूरे बेस है, जिसकी बदौलत आज के डेट में हम अपना एक स्कूल भी खड़े किए हैं जो मधुबनी आर्ट के नाम से है, वो जिसमें हम बहुत सारे बच्चे को ट्रेनिंग भी देते हैं। मधुबनी और मिथिला में क्या बेसिक फर्क? नहीं, मधुबनी और मिथिला में बेसिकली कोई फर्क नहीं है। एक्चुअली बात ऐसा है कि जिस समय से मधुबनी पेंटिंग शुरू हुआ वो सीता जी के समय से शुरू हुआ है, तो उसमें पूरे मिथिलांचल था, ये अभी भी मिथिलांचल है, लेकिन जो मिथिलांचल के नज़दीक मधुबनी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। तो जिस समय ये मधुबनी पेंटिंग का स्टार्टिंग हुआ, उस समय में जो कलाकार लोग जो पेंटिंग करते थे वो एक दो गिनती चुनती कहीं पे एकादुका मिलते थे, तो उस समय उन लोगों को स्टेट अवार्ड मिला, नेशनल अवार्ड मिला, तो इस नाम से फेमस इसलिए हो चुकी, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से थे, तो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से, तो इस नाम से जानते जानते वो डिस्ट्रिक्ट थोड़ा पॉपुलर हो गया, ज़्यादा हाईलाइट हो गया। जो पॉपुलरिटी होने के कारण क्या हुआ, तो मिथिला पेंटिंग थोड़ा सा डल हो गया और मधुबनी के नाम से ज़्यादा पॉपुलर हो गए, इसीलिए इसका नाम मधुबनी पेंटिंग। लेकिन मधुबनी पेंटिंग और मिथिला पेंटिंग दोनों सेम ही चीज़ है, एक ही चीज़ है, कोई अंतर नहीं है दोनों। स्मार्ट सिटी के तहत जितने पटना में सरकारी कार्यालय हैं उनको एक ब्यूटीफाई करने के लिए ऐसा काम किया जा रहा है। यह एक थीम है इसका, मिथिला संग मगध, मिथिला पेंटिंग जो कि मधुबनी पेंटिंग कहलाती है, मगध जो पटना मगध स्थित है, इसकी दीवारों को उस पेंटिंग के थीम से सुंदर बनाया जाए, यही इसका थीम है। और इसी पर ये पूरे पटना शहर में पटना आर्ट कॉलेज के कुछ कलाकार हैं और मधुबनी से भी आए हुए कुछ कलाकार हैं, उनको सुंदर बनाया जा रहा है। और ये जो स्मार्ट सिटी का आप एक जो प्रोजेक्ट बताए थे, तो ये क्या स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का हिस्सा है? हाँ, ये स्मार्ट सिटी का एक प्रोजेक्ट है, सोशल कैंपेन, मतलब पटना को सोशली सुंदर बनाना। पटना स्मार्ट सिटी के तहत जो भी प्रोजेक्ट हैं उसके अलावा अगर पटना को हम सुंदर बनाएंगे, सोशली स्मार्ट बनाएंगे, तो तभी पटना हमारा स्मार्ट बनेगा। तो इस थीम के तहत ये मधुबनी पेंटिंग कराई जा रही है। जैसे इसमें कहीं कहीं हम लोगों को मधुबनी पेंटिंग दिखाई दे रही है, मिथिला पेंटिंग दिखाई दे रही है, कहीं पर बिहार की जो पुरानी विरासत है, एक
विरासत समिति करके है जगह, तो वहाँ पर कुछ विरासत, तो इस पर कोई थीम आप लोगों ने दिया था या ये आर्टिस्ट का? नहीं, आर्टिस्ट का नहीं है। जहाँ जिस जो सरकारी कार्यालय हैं तो उनसे भी पूछा जाता है कि आप जी का कार्यालय किस से संबंधित है, तो वो अपना बताते हैं कि हमारा जैसे आप जो कह रहे हैं बिहार विरासत समिति वहाँ पे है, तो उन्होंने ये एडवाइस दिया कि हमारा जो पटना का हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है उसका यहाँ पे पिक्चराइजेशन करवा दिया जाए। अब जैसे पटना जू है, तो जू वालों ने कहा कि हमारे जो यहाँ पे पेड़ पौधे जंतु हैं जानवर हैं उनका पेंट करवा दिया जाए, तो हम लोगों ने वहाँ पर ये ध्यान रखा। इसी तरह जो सरकारी कार्यालय हैं जो जैसा बोलते हैं वैसा हम लोग पेंटिंग करवा देते हैं। अरे यहाँ पर क्या बोला कि बहुत सब यहाँ पर पेशाब वेशाब कर देता था, तो हम लोग सोचे क्यों ना यहाँ पर कुछ देवता का चित्र बना दिए, शिव जी का चित्र बना दिए हम लोग, तो अब नहीं हो रहा है यहाँ पर, नहीं हो रहा है। तो मेन था कि कुछ ग्राफिटी जैसे जो भी यहाँ पे जो भी हो रहा है मधुबनी से हो रहा है, लेकिन हम लोगों ने सोचा था कुछ ग्राफिटी मॉडर्न या डूडलिंग जैसा कुछ करे। और मधुबनी में, मधुबनी बहुत अच्छा है बट उसमें सब कुछ हम लोग नहीं दिखा सकते हैं, तो जैसे ये नेचर से रिलेटेड है, ये गांधी जी का हमने पोर्ट्रेट बनाया था, उनके कुछ विचार थे वो हम लोगों ने लिखे थे, उस तरीके से हम लोग बस अभी काम शुरू ही हुआ है, अभी बस शुरू हुआ है, अभी तो बहुत काम करना है हम लोगों को।